जय हिंद साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है बहुलक। माध्य और माध्यिका हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुलक अब हमें पढ़ना है। और इन सबको हम सेंट्रल टेंडेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर के आसपास, केंद्र के आसपास घूमते हैं। दोस्तों, जो आंकड़े हमें कुछ दिए जाते हैं उनके अंदर हम बात करते हैं जब माध्य माध्यिका बहुलक की, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। दोस्तों, टॉपिक जो है हम उसके ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुलक, बहु मतलब कि जो बार बार आए, ठीक है, ऐसा आंकड़ा जो बार बार रिपीट हो रहा हो दोस्तों, या अगर टेबल के फॉर्म में दिया हो दोस्तों, तो उसमें हम देखेंगे कि बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है। बारंबारता मतलब कि कितनी बार वो आ रहा है, और वो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार अगर आ रहा होगा तो उसे हम बहुलक कहेंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कि देखिए दोस्तों, अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए पर्टिकुलर, तो वह संख्या जो अवलोकनों के समूह, अवलोकन मतलब कि जो आंकड़े हमें दिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है, सबसे ज़्यादा बार आएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है दोस्तों, ये बहुलक है। बहुलक, और इंग्लिश में कहें तो मॉड, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं मॉड। और क्या हो रहा है, और इसे क्या कह सकते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा हो रही हो, सर्वाधिक जिसकी पुनरावृत्ति होगी उसे हम कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे मॉड। जेड से इसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों जेड से, ठीक है। अब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है। जो आंकड़े दिए हैं देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, बस वो उसका बहुलक हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें ये फॉर्मूला हम यूज़ कर पाएंगे कि बहुलक बराबर होगा तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। तीन माध्यिका माइनस दो माध्य करेंगे दोस्तों तो बहुलक आ जाएगा, ठीक है। ये कब हम उपयोग करेंगे, जब हमें कोई आंकड़े नहीं दिए हैं, कह दिया है कि माध्यिका तीन है, माध्यिका और माध्य ये हैं, बताइए बहुलक क्या होगा। तो हमें दोस्तों इस सूत्र का उपयोग करना है और ये बताना है कि बहुलक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। बहुलक क्या होगा ये हमें बताना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। अगर टेबल के फॉर्म में डेटा दिया हो तो क्या करेंगे, ठीक है, ये तो सिंपल है कि डेटा देख लिए, एक दो पाँच दस पंद्रह बीस, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 4 6 7 4 3 4 5 8, ठीक है दोस्तों, ये आंकड़े दिए हैं, बताइए बहुलक क्या है, है ना। बहुलक क्या है अगर ऐसा पूछ लिया गया है तो हमें क्या करना है, देखना है दोस्तों यहाँ पर 4 4 और 4 कितनी बार है, कितनी बार, तीन बार है दोस्तों, तीन बार, मतलब कि दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक का मान होगा 4। कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, बहुत आसान है, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है और बहुलक 4 है ना, आंसर 3 नहीं है, आंसर है 4, बहुलक है 4, फ्रीक्वेंसी या इसकी पुनरावृत्ति या इसकी बारंबारता 3, जो कि क्या है, मैक्सिमम है इन आंकड़ों के लिए, मैक्सिमम यही है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब मैं कह रहा था आपको कि अगर टेबल के फॉर्म में दिया है, जैसे कि माध्यिका हमने ज्ञात की, जैसे कि माध्य हमने ज्ञात किया टेबल के फॉर्म में था, अगर टेबल के फॉर्म में अगर आ गया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, Z बराबर लिखेंगे वही L, कौन सा L, जो अभी हमने देखा था ना L, लोअर लिमिट, प्लस अब इसमें क्या होगा दोस्तों, f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है, इन चीज़ों का उपयोग हम करने वाले हैं, ठीक है। अब ये f1 क्या है, f0 क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, तो सवाल जब करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक आइडिया अगर अपन लेना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करेंगे दोस्तों, चलिए आइडिया भी मैं तभी बताऊँगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए फॉर्मूला ये है, जब सवाल करवाऊँगा तभी आपको अच्छे से समझा दूंगा, हो सकता है कि हम और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँ, क्या f1 क्या f2 क्या क्या क्या, ठीक है, सिर्फ ध्यान रखिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट पर, प्रश्न क्रमांक 1, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 7 20 11 15 11 28 20 के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक बताइए, ठीक है। वही करने का तरीका, आंसर एक लाइन में नहीं लिखना है, हल हमें लिखना है दिए गए
अवलोकन, आंकड़े भी लिख सकते हैं, अवलोकन लिख सकते हैं, 7, 20, 11, 15, 11, 28 और 20, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो दोस्तों, आरोही अवरोही क्रम तो लिखते नहीं हैं यहाँ पर। मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा बार बार कौन आ रहा है, रिपीट में कौन हो रहा है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, 7 तो दो बार आ नहीं रहा, 20 आ रहा है दो बार, दोस्तों 20 दो बार आ रहा है, 11 यहाँ पर दो बार आ रहा है, 15 नहीं आ रहा और 18 रिपीट नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब इस स्थिति में बहुलक जो होगा दोस्तों, बहुलक बराबर होगा 11 एवं 20। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक का मान 11 एवं 20 होगा। दोनों ही लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, दोनों की पुनरावृत्ति कितनी हो रही है, 2-2 बार हो रही है। ठीक है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में कितने लोग आए हैं भैया, तो फर्स्ट पोजीशन में कौन आए हैं, 11 और 20। ठीक है, दोनों को प्राइस मिलेगा भैया, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ दें एक को ले लें, है ना, ऐसा नहीं होगा। बहुलक दोनों को लेना पड़ेगा हमें, तो बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 11 और 20। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, 2, 8, 6, 10, 14, 12, 4, 13। हल लिखेंगे यहाँ पर, हल दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, 2, 8, 6, 10, 14, 14, 12, 4 और 13, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना, 8 होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी किसी की ज़्यादा है ही नहीं, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इसको 14 बनाना पड़ेगा, तब जाके आंसर मैं दे पाऊँगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों बहुलक, बहुलक हो जाएगा 14, बहुलक क्या हो जाएगा, 14। देखना है कि आंकड़े क्या, कौन सा आंकड़ा है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, कुल मिला के इतना ही है खेल, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, जो ज़्यादा बार आ रहा है वो उसका बहुलक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, अगर बराबर में है तो सबको लिख दीजिए जितने बराबर फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि यहाँ पर 2 एक बार रिपीट हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, तो हम क्या करते, 2 भी लिख देते। सपोज़ करो यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ 6 और 6 होता, तो हम 14 के साथ 6 लिख देते, वो हो जाता इसका बहुलक। मान लिया कि 6 3 बार आ जाता, 6 क्या हो जाता दोस्तों यहाँ पर, 3 बार आ जाता, तो सिर्फ बहुलक कितना हो जाता यहाँ पर, 6। इतना ही करना है, ठीक है, बहुलक मॉड। ठीक है दोस्तों, ये 2 सवाल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, माध्यिका 6 तथा माध्य 3 हो तो बहुलक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए वही सूत्र आ गया है, अब सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा हमने, है ना, यहाँ पर लिखा है दिया है लिखना है माध्यिका बराबर है 6 और माध्य बराबर दोस्तों 3, तो बहुलक का सूत्र भी बताया था, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य से, यही सूत्र बताया था दोस्तों अभी। ठीक है, इसी की चर्चा हमने की थी। तो दोस्तों 3 माध्यिका मतलब कि 3, 6 माइनस 2, 3। ठीक है, 6 दिया हो जाएगा 18 और 3 दुनी हो जाएगा यहाँ पर 6 मतलब कि 12। उत्तर आ जाएगा 12, मतलब कि जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें माध्यिका 6 है, माध्य 3 है, तो बहुलक होगा दोस्तों 12। ठीक है, 3 माध्यिका 2 माध्य, इस सूत्र का उपयोग हमें करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए वही टेबल का फॉर्म आ गया है, जो अभी हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले, चर्चा कर रहे थे जब वीडियो शुरू किया गया था, तो बताया था कि सूत्र लिख दीजिए, सूत्र लिखिए, सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। सूत्र होता है जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में करना है एच। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये हैं दोस्तों कि L तो हम जानते ही हैं लोअर लिमिट होगा। ठीक है दोस्तों,
अब जितने भी ये एफ है ना दोस्तों, ये एफ सारे के सारे बारंबारताएं हैं, बारंबारताएं। अभी जब ये सवाल में अपन करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, एल आपने देख लिया है कि एल क्या है, क्या है अभी बता देता हूँ। एच सबसे पहले निकाल लेता हूँ मैं, एच क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, बड़े में से किसी भी वर्ग अंतराल के बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करने से आंसर आएगा, वो हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, वो हमें यहाँ पर लिखना है। लिख दिया, क्या लिखा, एच बराबर 55 माइनस 40 15। क्या करना था, अभी मैंने क्या बताया कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा वो होता है बहुलक। दोस्तों बहुलक यहाँ पर बारंबारता मुझे किसकी दिख रही है, 7 दिख रही है। किस वर्ग अंतराल की दिख रही है, 40 55 की। तो अब 40 और 55 में से हमारा क्या हो जाएगा, एक निकल के आएगा। क्या बहुलक निकलेगा कैसे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तब निकलेगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा। L, L बताइए इसके लिए कितना हो जाएगा, 40। ठीक है दोस्तों, अब ये F क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों F या स्मॉल F, हम कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ये एक ही चीज़ें सेम है। 7 लिखना है आपको। देखो दोस्तों, इसे F0, इसे लिखना है F1 या F, आपकी जो भी इच्छा हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आप इसे F1 लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, इससे पहले वाला F0, आगे वाला F2। समझ में आ रही बात आपको, बहुत आसान चीज़ है ना। ये L और इन दोनों का डिफरेंस H, ये ही है फॉर्मूला, जिसके अंदर सारी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तब ये दो कितनी चीज़ें लिखी है हमने, L लिखा है, F लिखा है और H लिखा है। हम यहाँ पर F0 लिख देते हैं 3, F1 या F हम लिख देते हैं यहाँ पर 7, और F2 की बात अगर की जाए दोस्तों तो 6 है, तो इसलिए हम लिखेंगे बहुलक, इस लिए बहुलक Z बराबर L प्लस F1। अब मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिखता हूँ, ये लिखना है आपको, है ना दोस्तों, यहाँ लिख लीजिएगा L, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दोस्तों, L की वैल्यू है 40। ठीक है, F1, F1 की वैल्यू या F की वैल्यू है 7, 7 माइनस कितना करना है हमें दोस्तों, 3 अपॉन 2F माइनस 2F माइनस F2 माइनस F1। और H की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों यहाँ पर, 15, 15 है ना, 15 ही निकाली, ये 15, 40 प्लस, देखिए दोस्तों 7 में से 3 को माइनस करने से 4 बचेगा, 4 पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, है ना, ब्रैकेट को ही हल करेंगे, 7 दुनी होता है 14, 14 माइनस 6 और 3 हो जाएंगे 9, मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये देखिएगा पहले इसी को हल करेंगे फिर प्लस करेंगे 40। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4/5 गुणा 15। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 40, ये 5 दिया 15 और ये 4 दिया हो जाएगा 12, ये हो जाएगा दोस्तों 52। बहुलक कितना होगा, 52। देखिए किसको बिलोंग कर रहा है, 40 और 55 को बिलोंग कर रहा है, 40 और 55 को बिलोंग करने वाले वर्ग अंतराल को बिलोंग करने पर या में से 52 हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक। 52 क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसको F1 मान सकते हैं, F भी मान सकते हैं, इससे पहले वाला F0 होगा और इसके बाद वाला F2 होगा, है ना। सबसे अच्छा यही है कि आप इसको F1 ही माने, F1 मान ले, F0 मान ले, F2, ये कॉलम सीक्वेंस आ गया, इसमें से हर चीज़ को हमने लिख लिया है यहाँ पर, और हल करने पर आंसर आ रहा है 52। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, ये सवाल हो गया है कम्प्लीट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल वही सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, 40 विद्यार्थियों के टेस्ट, 40 नहीं है यहाँ, गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पर 100 है, 100 है ये, 100, 100 विद्यार्थियों के टेस्ट के प्राप्तांक निम्न हैं, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, वही जो कि फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं बहुलक, चूँकि बहुलक Z बराबर होता है L प्लस F1, F0, 2F1, F0, F2 N2 में करना है H। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं L। अब क्या करना है, वही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब कि बारंबारता दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा इंग्लिश वर्डिंग ज़्यादा आ रही है ना, पर मुझे ये लगता है कि इंग्लिश में समझने से थोड़ा और चीज़ें आसानी से याद रहती, बारंबारता, संचयी, ये सब थोड़ा टिपिकल होता है। ठीक है दोस्तों, 28 है ना, 28
ये क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, और वही बहुलक होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा, जिसको हम करने वाले हैं, कर रहे हैं सिलेक्ट। ठीक है दोस्तों, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो L बताइए, L कितना है यहाँ पर, 60। लोअर लिमिट, छोटी लिमिट कितनी है, 60 है। H की बात करें तो 70 में से 60 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 10। ठीक है दोस्तों, 10। अब जो काम की तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, F1, F0, F2। ठीक है दोस्तों, तो F1 की बात की जाएगी, 28, 28 निकलेगा। F0 यहाँ पर है हमारे पास 25, F2 है हमारे पास 12। ठीक है, ये ऑल वैल्यूज आ गई हैं, पांच वैल्यू हमें चाहिए थी, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों वैल्यूज़ को हमें फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, रखना है। Z L मतलब कि 60 प्लस, देखिए दोस्तों, F1 कितना है यहाँ पर, F1 है 28, F0 है 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 28 माइनस, दोस्तों यहाँ पर 25 माइनस 12 इनटू में करना है 10। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस। अच्छा यहाँ बताइए कितना होगा, घटाने पर हमारे पास आएगा 3, है ना, ये हो जाएगा 56, 28 गुना 56 होता है, और ये हो जाएगा कितना, 37 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, अब इसको क्या करता हूँ, हल करने के लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 60 प्लस, देखिए इसको घटाते हैं अगर तो कितना आता है, इसको गुणा कर लेते हैं, काम करते हैं, 30 बटे में लिख देता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर, कितना बच रहा है यहाँ पर, 16 में से 7 गए तो बचेंगे 9, और यहाँ से 4 में से 3 गए तो बचेगा 1, 19। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 30, में 19 से भाग देने से 19 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 11, डेसिमल लगा दूंगा, तो अगर 8 कितने से करें गुणा इसको, 95 है ना, 95, तो बचेगा कितना यहाँ पर दोस्तों, 5, और यहाँ पर बचेगा 15। ठीक है, 1.5 समथिंग आ रहा है कुछ, एग्जैक्ट डिवाइड आप कर लीजिएगा खुद, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 61.5 बहुलक का मान हो जाएगा दोस्तों, 61.5। पॉइंट के बाद थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, 5 के बाद थोड़ा और ये आगे चल रहा है, कैरी ऑन हो रहा है, हम एग्जैक्ट नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन Z की वैल्यू आ रही है दोस्तों 61.5। ये हो जाएगा बहुलक, किस तरीके से हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, पिछले सवाल में भी, सवाल नंबर 4 में भी किया था, सवाल नंबर 5 में भी यही किया है, और अगर ये प्रश्न आया तो 5 अंक का आना है निश्चित रूप से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, पूरा ये जो चैप्टर है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें, माध्य, माध्यिका और बहुलक, हो सकता है क्या हो दोस्तों कॉमन क्वेश्चन आ जाए, एक ही प्रश्न पूछा जाए, पिछले जो ईयर में, शायद ये MPPSC 2019 में पूछा था, क्या किया था दोस्तों, कि माध्य, माध्यिका और बहुलक पर टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी का मतलब यही कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है सारी की सारी, वो डेफिनेशंस आपको लिखनी है, सूत्र लिखना है, कोई एग्जांपल देना है, टिप्पणी लिखिए, 5 अंक में आ सकता है, है ना। अगर मान लिया दोस्तों आपसे 5 अंक में ये भी पूछा जा सकता है कि 15 छात्राओं के गणित के टेस्ट के प्राप्तांक 100 में से दिए हैं ये, ठीक है, 15 छात्रों के प्राप्तांक हैं, इनके लिए आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही चीज़ें ज्ञात करना है, सवाल ये भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जाए दोस्तों, एक टेबल आपको दी गई होगी, ठीक है, प्राप्तांक दिए हैं, यही सवाल अपन करते आ रहे हैं इसी तरीके के, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या, तो देखो 0 से 20, 20, 30, 40 है ना, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्या है, गिवन है डेटाज, ठीक है, यहाँ पर
जीरो से नहीं होगा, यहाँ पर 10 से 20 होगा दोस्तों, 10 से 20 सात है ना, करेक्शन है 10 से 20 सात, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70 और 70 से अबाव में 8 है ना, मतलब 80 होगा ये, यह सबको ले लिया। तो ये टेबल आपको दी है और इसके लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। माध्य कैसे ज्ञात करोगे, आपको करना है दोस्तों समेशन एफ एक्स, समेशन एफ करना है ना, यहाँ पर एक्स नहीं है दोस्तों, तो एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के देखिए, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, एफ एक्स अपॉन एक्स करना है, एफ करना है, इससे आ जाएगा आपका माध्य, ठीक है। माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यिका लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है दोस्तों, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इन सबको जोड़ के नया एक कॉलम बना लीजिएगा और फिर आप उसके अंदर फॉर्मूला लगाइएगा और हल कीजिएगा दोस्तों। अगर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, उसके बाद बहुलक की बात की जाए, तो बहुलक आप फॉर्मूला लगाकर यूज़ करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हो सकता है इसके अंदर आंकड़े परफेक्ट नहीं है बहुलक के लिए, लेकिन कॉमन, कहने का मतलब यह है कि कोई कॉमन क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर तीनों ही चीज़ें माध्य, माध्यिका, बहुलक पूछा जाएगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसका अंक होगा 11 दोस्तों, वो मार्क होंगे उसके 11 है ना। ये मत कहना कि सर आपने तो 20-20 दे दिया, डबल फ्रिक्वेंसी आ गई, तो ये तो सवाल परफेक्ट नहीं हो रहा है बहुलक के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ऐसा ही आएगा जो परफेक्ट होगा और उसका परफेक्ट आंसर अपन कर पाएंगे। ज़्यादा कैलकुलेशन उलझन वाला सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है, उम्मीद है, ठीक है। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट माध्य, माध्यिका, बहुलक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।